हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज अपन ऑनलाइन DTSC JEE मेंस 2021 में बात करते हैं मैथमेटिक्स का पेपर 5x6, मतलब ये पेपर 5th है आपका, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो देखो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है, सेक्शन ए के क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज, क्या मीनिंग है क्वेश्चन का देखें कि एक पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला की जो नॉर्मल कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए शॉर्टेस्ट, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। ये पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और आपने क्या किया, एक ड्रॉ की नॉर्मल कॉर्ड, बोलो पहले आप, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कॉर्ड का मीनिंग वो इस पैराबोला पे नॉर्मल भी है और ये कॉर्ड भी होगी, तो इस नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ क्या हो शॉर्टेस्ट हो। इस पीकू की लेंथ अगर मिनिमम है तो होता उसकी वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड। कॉर्ड तो काफ़ी सारी हो सकती है, नॉर्मल भी काफ़ी सारे हैं, तो वो नॉर्मल बताओ जिसकी लेंथ क्या हो मिनिमम हो, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड। तो देखो इसको अगर आप करोगे तो कैसे करना है, आपको पी क्यू की लेंथ को करना है फाइंड आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, पैराबोला पे पॉइंट लेट करो ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1 और लेट सिमिलरली क्यू पॉइंट क्या लेट करोगे बोलो ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t2। ये लेट करने के बाद क्या करना है आपको, पी क्यू डिस्टेंस को करना है कैलकुलेट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, ए टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज ए टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर आ गया। यस सर। अब इसके बाद देखो थोड़ी कैलकुलेशन करनी है इसमें, तो यह जाएगा पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ, देखो ब्लैक बोर्ड पे इसमें से ए कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर, इधर से भी ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये तो बाहर आ गया मोड ए। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, टी टू माइनस टी वन और टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर। अरे यार टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर है ना, इसके फैक्टर करो ए इंटू बी ए प्लस बी। तो दिस इज टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर इंटू टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा, ये तो बाहर आ गया 4 times of t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो देन इसको आप लिख सकते हो pq इक्वल टू मॉड a, इसमें से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, अंडर रूट ऑफ t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया बेटा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस के 4। अब चाहो तो इस t2 माइनस t1 के मॉड को बाहर भी ले सकते हो, बट इसकी जरूरत है नहीं वैसे। अब इस पी क्यू की लेंथ को मिनिमम करना है, ये पी क्यू क्या है नॉर्मल कॉर्ड है, ये नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ है, इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए अभी इसमें t1 t2 टू वेरिएबल्स हैं, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद आप उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा कि पॉइंट pt1 पे नॉर्मल पॉइंट qt2 पे मीट करता है, मतलब t1 पे ड्रॉ नॉर्मल अगेन पैराबोला को t2 पे कट करता है। तो पढ़ा होगा आपने t2 इक्वल टू माइनस के t1 माइनस के 2 अपॉन t1। यस सर। इतना आने के बाद कुछ नहीं करना, आप किसी भी एक वेरिएबल को कर दो एलिमेंट। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें t2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इससे एक तो सिंपल आ गया t1 प्लस t2 आ गया माइनस के 2 अपॉन t1। अरे कुछ नहीं करना, इसको सिंगल वेरिएबल t1 में कर दो कन्वर्ट। तो देखो इसको कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, मोड ए रूट ऑफ, देखो t2 की वैल्यू क्या है माइनस के t1 माइनस के 2 अपॉन t1। तो क्या जाएगा, देखो माइनस के t1 माइनस के t1 माइनस के 2t1 माइनस के 2 अपॉन t1। यस सर। और ब्रैकेट में आ गया t1 प्लस t2 की वैल्यू माइनस के 2 अपॉन t1 का स्क्वायर करोगे तो आ गया 4 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 4। बोलो ये सुनो, इतना आने के बाद कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत और कर सकते हो चाहो तो, थोड़ा बहुत क्या कुछ मत करना, इसको मिनिमाइज करना है। तो इस अंदर वाले पार्ट को आप जेड मान लेना,
इसको जेड लेट करके इसका टी वन के रेस्पेक्ट में करना डिफ्रेंशिएशन। तो जब आप इसका डी जेड वाई डी टी वन करोगे तो आपको टी वन की वैल्यू मिलेगी जिसके लिए इस पी क्यू की लेंथ मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो ये जब सोल्व करोगे आप तो इससे आंसर आता है, ये खुद करना गुणाभाग, डी जेड वाई डी टी वन को सीधा जीरो कर देना, तो जीरो करने पर टी वन जाएगा आपका माइनस के रूट टू। टी वन जब माइनस के रूट टू लोगे तो टी वन को माइनस रूट टू पुट करोगे तो क्या गया, प्लस रूट टू और प्लस रूट टू, तो ये टू रूट टू आ गया टी टू। तो टी वन तो आ गया माइनस के रूट टू, तो इसमें पुट करोगे तो टी टू हो जाएगा टू रूट टू। मतलब सिंपल सी बात बोल सकता हूं मैं, टी वन टी टू का मल्टीप्लाई जाएगा माइनस के फोर। तो ये आपको याद भी रखना है कि शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड के लिए, जैसे आपने सबने पढ़ा होगा कि पैराबोला के दो पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की और वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो क्या लगता है, टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना। तो टी वन टी टू में काफी सारे रिलेशन पढ़ते हैं, टी वन टी टू इक्वल टू टू भी पढ़ते हैं अपन कभी कभार। तो टी वन पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल अगर टी टू पे मीट करता है और पी क्यू की लेंथ, ये जो नॉर्मल कॉर्ड है इसकी लेंथ अगर मिनिमम है तो उसकी कंडीशन है, टी वन टी टू में रिलेशन है जिसको याद रखना हमेशा के लिए, टी वन टी टू इक्वल टू माइनस फोर आ गया, ठीक है। अभी तो मैंने इसको सेपरेट सोल्व किया, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से आप डी जेड बाई डी टी वन किया तो टी वन जाएगा, टी वन से टी टू आ गया। जब टी वन टी टू पता है तो आप एक काम करना, कहाँ चला गया वो, ये लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप टी टू माइनस टी वन का मोड बाहर आ गया ना, बाहर लेने के बाद इसकी दोनों सबकी वैल्यू पुट कर दो आप, तो वैल्यू पुट करोगे तो आपको इस शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ मिलने वाली है टू ए रूट 27, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो याद रखना सभी। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पढ़ें सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया, इफ दी नॉर्मल एट पॉइंट पी थीटा टू दी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपन 14 प्लस वाई स्क्वायर अपन 5 इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट एट अगेन एट पॉइंट क्यू टू थीटा देन कॉस थीटा इक्वल टू। देखो क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, आपको एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपन 14 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। इस इलिप्स के किसी पॉइंट पी थीटा पे, पी थीटा का मीनिंग है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट पी लेट किया है, लेट करना है। तो इस पॉइंट पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो लेट ये इसकी टेंजेंट है और बाद में आपने क्या ड्रॉ की, नॉर्मल है। तो नॉर्मल अगेन इलिप्स को क्यू टू थीटा पे मीट करती है तो देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो देखो क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप पॉइंट पी लेट कर दो पैरामेट्रिक फॉर्म में रूट 14 कॉस थीटा कोमा, ये पता होगा आपको ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ये आपका पॉइंट पी आ गया। सिमिलरली पॉइंट क्यू क्या होगा, थीटा की जगह टू थीटा मान लो, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्यू लिखोगे रूट 14 कॉस टू थीटा कोमा रूट 5 साइन टू थीटा। इतना लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इस पॉइंट पी पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे आप राइट करोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैं सबसे पहले आप क्या करो, जब भी नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो आप पॉइंट फॉर्म में याद करो, क्योंकि सारी फॉर्म थोड़ी ना याद करने बैठोगे। तो मेरे को तो ये याद है कि ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद होना चाहिए कि जब भी इलिप्स पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है पॉइंट फॉर्म में तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ मत करो बाद में। दिस इज एक्स वन और दिस इज एक्स टू, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 14 और 5, ठीक है। तो जब सबकी वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या जाएगा, ये 14 एक्स अपॉन रूट 14
कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर इज फाइव वाई अपॉन रूट फाइव साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 14 माइनस फाइव इज नाइन। यस सर, इतना आने के बाद कुछ नहीं करना, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू, इट इज ये जो कॉर्ड है, सॉरी ये जो नॉर्मल कॉर्ड है आपकी, इट इज पासिंग थ्रू द क्यू टू थीटा, तो बस कुछ नहीं करना, एक्स और वाई को पुट करना है आपको, रूट 14 कॉस टू थीटा रूट फाइव साइन टू थीटा। देखो एक्स को रूट 14 कॉस टू थीटा लोगे तो रूट 14 तो कैंसिल, तो क्या आ गया देखो 14 कॉस टू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव रूट फाइव साइन टू थीटा, तो क्या जाएगा साइन टू थीटा, रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल अपॉन साइन थीटा इक्वल टू नाइन, और कुछ मत करो। देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको पुट कर देना बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो साइन थीटा कैंसिल आउट और आपको कॉस थीटा की वैल्यू को करना फाइंड आउट। तो क्या करो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कंप्लीटली कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो आप, तो ये आ गया 14 कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस की टर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन से साइन, तो माइनस के 10 कॉस थीटा इक्वल टू 9, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना, देन इट्स बिकम इज क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा, देखो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 28 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 10 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 18 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये उधर 9 कॉस थीटा तो लेफ्ट में लागो तो माइनस के 9 कॉस थीटा और माइनस के 14 इक्वल टू 0। यस सर, तो देन आप क्या करना, इसके करना फैक्टर, तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इससे कॉस थीटा की टू वैल्यू जाती हैं, एक तो कॉस थीटा आएगा माइनस के 2 अपॉन 3, क्या आएगा एक कॉस थीटा माइनस के 2 अपॉन 3, और एक कॉस थीटा की वैल्यू आती है माइनस 1 से लेस या 1 से ग्रेटर, जिसको नेगलेक्ट करना आपको, ठीक है ना, तो उसको सोल्व करने पे क्या जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 3, तो देन इसका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला में टेंजेंट की इक्वेशन तो सबको पता है T0, नॉर्मली की इक्वेशन भी आपको पॉइंट फॉर्म में याद करनी है, ठीक है, और पैराबोला के अंदर अपन याद करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में वाई इक्वल टू टी एक्स माइनस ए टी क्यू माइनस ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यू, और स्लो फॉर्म में क्या लिखते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस के ए एम क्यू, ठीक है, तो सारी फॉर्म्स आप याद रखें। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाँ उसके बाद देखे क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकाई इट्स फोकस एट 2,0, एक पैराबोला का फोकस गिवन है 2,0 एंड वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट लेटेस्ट रेक्टम इज 2,2 और उसकी लेटेस्ट रेक्टम का एक एंड पॉइंट गिवन है 2,2, तो बताओ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, तो उसको डायग्राम की हेल्प से करते हैं, फोकस 2,0 गिवन है और LR का एक एंड पॉइंट गिवन है 2,2, तो देखो इसके अकॉर्डिंग जब डायग्राम की बात करोगे आप, तो ये फोकस आपको 2,0 गिवन है, अब वर्टेक्स 0,0 मत मानना, कुछ भी हो सकता है, तो रफली डायग्राम मैंने ये वाला मान लिया, ठीक है, तो LR क्या होगी, फोकस से पास होने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, क्योंकि जो फोकस 2,0 है और ये LR का पॉइंट है 2,2, तो इसका मीनिंग एक्स एक्सिस क्या होगी, एक्सिस ऑफ दी पैराबोला, तो ये 2,2 है, तो अपन को पता है ये डायग्राम क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट दी एक्सिस, तो क्या जाएगा 2,-k2। यस सर, तो LR की लेंथ क्या होगी 4a, तो 4a आपका 4 आ गया, तो a आपका 1 आ गया, तो ये आपको पता होगा फोकस की वर्टेक्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 होती है आपकी, a होती है, सॉरी क्या होगी, फोकस और वर्टेक्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी पैराबोला में ए, और ए आपका 1 है, तो देन इसका वर्टेक्स क्या होगा 1,0, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब आपने सबने पढ़ा होगा कि
पैराबोला का वर्टेक्स अगर 0, 0 है, फिर तो इक्वेशन लेट कर दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और अगर आपने वर्टेक्स को अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग दी एक्सिस ऑफ दी पैराबोला, मतलब एक्सिस आपकी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, तो देन पैराबोला की इक्वेशन क्या लगती है, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। यस सर, तो कुछ मत करो ना इसमें, अगर मैं अल्फा तो 1 है y बीटा 0 है, तो क्या जाएगा इसके अकॉर्डिंग, y स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस 1, और a अगर 1 लोगे तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक पॉसिबल आंसर तो ये हो सकता है जो ऑप्शन में है नहीं। और अब आपको पता होगा ये अगर लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं तो बताओ पैराबोला ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है, लेफ्ट वर्ड पैराबोला। इस केस में क्या होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, तो ये डिस्टेंस क्या है, ए है ना, वर्टेक्स की फोकस से तो ये पॉइंट आ गया 3, 0। अब अगर वर्टेक्स 3, 0 है तो कुछ नहीं करना, बीटा को तो 0 और अल्फा को 3 लेट करना है, तो देन इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a ऑफ एक्स माइनस 3। बट ये डायग्राम आपका लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, एक ही जगह माइनस से आता है, तो क्या लगा दोगे, माइनस, तो आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए आपका 1 है, माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो तो 4 इंटू इसके अकॉर्डिंग पैराबोला, तो इसमें 2 आंसर्स पॉसिबल होंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, क्वेश्चन 4 में बोला गया आपसे विच ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन इज पैरामेट्रिक फॉर्म कांट रिप्रेजेंट हाइपरबोला, मतलब आपको ऑप्शंस में पैरामेट्रिक फॉर्मेट में कॉनिक सेक्शन की इक्वेशंस गिवन है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हाइपरबोला को डज नॉट रिप्रेजेंट्स, तो क्या करेंगे अपन, 1 by 1 ऑप्शंस में आप क्या करो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, तो पैरामीटर को एलिमिनेट करके उनके लोकस को करो फाइंड आउट, और लोकस आने के बाद देख सकते हो कि वो एलिप्स होगा या पैराबोला या हाइपरबोला। तो चलो देखते हैं 1 by 1 ऑप्शंस को, तो जैसे लेट इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या गिवन है, देखो एक्स इक्वल टू गिवन है ए अपॉन टू टी प्लस 1 by t, और वाई गिवन है बी बाय टू। सिंपल सी बात ये बेटा, ये आपको एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, तो देन आपको कॉनिक सेक्शन को करना है फाइंड आउट, तो क्या करोगे इसमें से पैरामीटर का एलिमिनेशन करना है, तो देखो टी का एलिमिनेशन करने के लिए देखो टी वाले पार्ट को करते हैं सेपरेट, तो इसको डिवाइड में ले आओ तो क्या आ गया 2x अपॉन a इक्वल टू आ गया टी प्लस 1 by t, और ये आ गया 2y अपॉन b इक्वल टू, इतना आने के बाद मेरे को टी को एलिमिनेट करना था, एक काम करो इनको स्क्वायरिंग करके कर दो सेपरेट, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आ गया 4x² अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, यस सर, और उसकी स्क्वायरिंग करने पे आ जाएगा 4y² अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 by t² माइनस के 2। अब आप बताओ टी को एलिमिनेट करना क्या करना है, इन दोनों पार्ट को एलिमिनेट करना है, तो दिस में से इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया 4x² अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4y² अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, 4 से डिवाइड किया तो क्या जाएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये किसकी क्वेश्चन है, बोलो एक हाइपरबोला की क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट दी हाइपरबोला, मतलब गलत ऑप्शन चेक करना है आपको। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में क्या करना है, सेकेंड भी सिंपल है, इस बार आपको cos t और cos का t by 2 का एलिमिनेशन करना, तो काम करो ना, ये लिखा हुआ है x² माइनस 6 इक्वल टू 2, आपको कॉस स्क्वायर टी बाई टू की वैल्यू पता है वाई स्क्वायर प्लस 2/4, तो एक काम करें अपन कॉस टी का फॉर्मूला पुट कर दो हाफ एंगल में, तो आ गया 2 cos² t/2 - k1। यस सर, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया x² - 6 = 4
कोस स्क्वायर टी बाई टू माइनस टू, टू इधर आके आ गया माइनस के फोर, और बेटा फोर कोस स्क्वायर टी बाई टू की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस टू। तो ये लो रे वाई स्क्वायर को तो ले आओ लेफ्ट में, ठीक है। ये भी एक हाइपरबोला है, कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो किसमें ए और बी आपके इक्वल है। और अगर हाइपरबोला आपका रेक्टेंगुलर है तो ए और बी इक्वल होंगे, तो उस केस में सेंट्रिसिटी ऑलवेज रूट टू होती है, तो वैसे ही बता दिया। तो ये भी एक हाइपरबोला है तो हटाओ उसको। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन में भी कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना इसमें, सेम थिंग है, वंस अगेन स्क्वायरिंग करके कर देना सब्ट्रैक्ट। तो यही फॉर्मेट है एक तरीके से। अरे भाई ई की पावर टी को अल्फा मान लो ना, तो क्या आ गया, e की पावर t को अगर मैं अल्फा लेट करता हूँ तो लिखने में सिंपल हो गया है, ये आ गया x इक्वल टू अल्फा प्लस वन बाई अल्फा, और y इक्वल टू अल्फा माइनस के वन बाई अल्फा। तो वंस अगेन स्क्वायरिंग करके सेपरेट कर दो तो सीधा आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू फोर। तो ये भी एक हाइपरबोला है, वो भी कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। चलो और जब फोर्थ ऑप्शन की बात करोगे तो कुछ नहीं करना, फोर्थ ऑप्शन में आपको t को एलिमिनेट करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन से टी की वैल्यू को सेकंड में पुट करोगे तो देन इट्स नॉट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं होगी, कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको टिक करना है कि जो हाइपरबोला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज दिस पार्ट देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, मतलब आपको हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है तो आपको देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलो ऑप्शन बोलो बात सेम ही है, सेंटर चेक करो एसेंट्रिसिटी चेक करो और उसका वर्टेक्स देखो, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। तो देखते हैं अपन मन, तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन को पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर। तो ये जो हाइपरबोला है, देखो एक बात सुन लो सभी, ये हाइपरबोला की क्वेश्चन है, ये चेक करके देख सकते हो, क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया तो टेंशन क्यों लेते हो, इसका 100% डेल्टा नॉन जीरो होगा और एच स्क्वायर माइनस ए भी आपका पॉजिटिव है। तो देखो आप इसमें एक्स स्क्वायर का मीनिंग कॉफिशियंट, ए का मीनिंग कॉफिशियंट ऑफ है, एच तो उसका जीरो है, ये वन है, ये माइनस फोर है, देखो पॉजिटिव आ गया ना, तो ये 100% एक हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। और एक बात सुन लो सभी, अगर हाइपरबोला हो या एलिप्स हो या पैराबोला कुछ भी हो, पैराबोला में तो फिर भी सिंपल है, पैराबोला में क्या होगा कि पैराबोला की एक जनरल इक्वेशन गिवन है तो उसमें या तो वाई स्क्वायर की टर्म होगी, वाई स्क्वायर की टर्म है तो उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की फॉर्मेट। एलिप्स हाइपरबोला में क्या ध्यान रखना है, अगर एलिप्स और हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन गिवन है और उसमें एक्स वाई की टर्म प्रेजेंट हो तो वो अपने सिलेबस में बेसिकली नहीं है, ठीक है, अपने सिलेबस में ओनली स्टैंडर्ड एलिप्स और हाइपरबोला ही मेंशन है, ठीक है ना। तो इसमें एक्स वाई की प्रेजेंट डज नॉट प्रेजेंट, तो देन क्या करना है, इसको आप इजीली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट हाइपरबोला में, एलिप्स होगा तो प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या करो, इसमें एक्स स्क्वायर और टू एक्स आ रहा है तो इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, तो एक काम करो इसको एक साथ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स, और इसमें से और इसमें से जब माइनस फोर कॉमन लोगे तो क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस के फोर वाई, यस, और ये आ गया माइनस के इलेवन इक्वल टू जीरो। ये करने के बाद देखो क्या करना है आपको, इसको परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए क्या करोगे, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो सबट्रैक्ट, तो इसका हाफ वन हो गया ना, तो वन का स्क्वायर वन ऐड करो सबट्रैक्ट, इसमें क्या करोगे फोर ऐड और फोर सबट्रैक्ट करो, तो देखो क्या गया, ये बन गया x माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर, ये हो गया बेटा y माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू इलेवन। तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या आएगा, x माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर y माइनस टू का स्क्वायर, और देखो माइनस माइनस प्लस प्लस की 16 और माइनस के वन, तो प्लस की 16 और माइनस के वन कितना होगा माइनस के 15, उधर जाके
कुछ गड़बड़ी कर दी, देखना एक बार वंस अगेन। सही है 16, हाँ तो उधर आ गया माइनस के 4, ठीक है ना, क्योंकि प्लस के 15 है तो माइनस के 15 होके माइनस के 4 आ गया। और एक काम करो, इसको जब 4 से डिवाइड करो तो क्या आ गया, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1। तो ये कौन सा हाइपरबोला है, ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इसको कैपिटल एक्स लेट करो, उसको कैपिटल वाई, तो देन इट इज बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, जिसमें ए आपका 4 है, बी आपका 1 है। तो ये अगर हाइपरबोला कौन सा है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की किसमें सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी है वो क्या होगी बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर। अरे सही है ना, उसकी तो क्या होगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉन्जुगेट की 1 प्लस रूट रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है 4, और बी स्क्वायर 1 है तो क्या जाएगा ई आ जाएगा रूट, तो इसकी सेंट्रिसिटी रूट 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तो इसका सेकंड इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सेंटर क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0। तो कैपिटल एक्स को 0 करने का मीनिंग है एक्स माइनस 1 0 वाई माइनस 2 0, तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा सॉरी सेंटर जाएगा 1,2। तो सेंटर 1,2 करेक्ट है, वन ऑफ दी वर्टेक्स इज, ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये वाला। तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के वर्टेक्स होंगे ना, तो वर्टेक्स क्या होंगे, जिसपे कैपिटल एक्स तो 0 होगा, कैपिटल वाई आपका ए होगा ना, दिस इज सॉरी 0,b, तो बी आ गया। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू रखने पे 1 आ गया, और वाई माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो जब टेकिंग प्लस लोगे तो वाई 3 आ गया, और टेकिंग माइनस लोगे तो वाई 1 आ जाएगा। यस सर, तो एक वर्टेक्स हो जाएगा 1,3 और सेकेंड वर्टेक्स होगा 1,1, तो इसमें 1 ऑफ दी वर्टेक्स इज 1,3। तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका सेकंड। तो ये पूछा गया इनकरेक्ट ऑप्शंस बताओ, तो उसका थर्ड ऑप्शन सॉरी सेकंड ऑप्शन फिल करना आपको। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है। क्वेश्चन 6 में देखें सभी, सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन इलिप्स फ्रॉम बोथ फोकाई इज, क्या मीनिंग है क्वेश्चन का देखो, एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें ए आपका 5 है, बी आपका 8 है। तो आप पहले नॉर्मल की बात करो कि एक एलिप्स गिवन है आपको लेट दिस पार्ट, और एलिप्स पे कोई भी पॉइंट है पी एक्स 1,y1 कोई भी लेट करो, तो इस पॉइंट पी की बोथ फोकाई से डिस्टेंस का सम ऑलवेज क्या होगा, पी एस प्लस पी एस डैश आप लिख दो 2a। ये कब लिखना है, जब a आपका b से ग्रेटर, मतलब उसकी मेजर एक्सिस कौन हो, x एक्सिस, और बाई चांस अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो क्या लिखते हैं बताओ, पी एस प्लस पी एस डेस इक्वल टू 2b। ये याद रखें, ये डेरिवेशन कर सकते हो पॉइंट लेट करके, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा, पैरामेट्रिक पॉइंट लेट करो। तो अभी क्वेश्चन में b आपका a से ग्रेटर है, तो देन पॉइंट की दोनों फुकाए से डिस्टेंस का सम क्या होगा 2b, तो इसका आंसर फिल करना है 18। तो देन इसका सॉरी 8 लोगे तो 8 × 2 = 16 आंसर आएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन फिल करना है, ठीक है। बच्चे गलती से क्या कर देते हैं 10 आंसर, 1 ऑप्शन फिल कर देते हैं, गलत आंसर है वो। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे ही समझ लो, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो
तो देखो दो वर्ड्स हैं, ध्यान रखें, एक तो होता है सेंटेंस और एक होगा स्टेटमेंट। सेंटेंस का मीनिंग तो क्या है कि कोई भी जो अपन बोलते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस हैं, और स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि विच इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। एक ऐसा सेंटेंस जो ऑलवेज ट्रू हो या ऑलवेज फॉल्स हो उसी को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको कि लेट मैंने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन सीकर एंड जोधपुर 300, तो ये फिक्स है कि जोधपुर से सीकर के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगी ना, जो भी लिखोगे आप वो फिक्स होगी। तो या तो वो ऑलवेज ट्रू होगा या ऑलवेज फॉल्स। जैसे बाई चांस लेट डिस्टेंस आपकी 350 है, 350 किलोमीटर है, और मैंने 300 बोल दिया, भाई जिसको पता आइडिया कि लेट 350 डिस्टेंस है टोटल, और मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन सीकर एंड जोधपुर 300, तो ऑलवेज फॉल्स हो गया ना, और 350 बोल दिया तो ऑलवेज ट्रू हो गया। तो जो यूनिवर्सल ट्रू है या यूनिवर्सल फॉल्स है उसको तो बोलते हैं स्टेटमेंट, अदरवाइज को क्या बोलोगे, एक सेंटेंस बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया एवरी सेट इज फाइनाइट सेट, ये गलत बात है। तो या तो ये ऑलवेज ट्रू होगा या ऑलवेज फॉल्स, कि एवरी सेट फाइनाइट सेट होगा, नहीं, सारे सेट फाइनाइट सेट नहीं हो सकते। वो कब हो सकते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फिक्स हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड है तो फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। तो लेकिन होगा तो फिक्स ना, दोनों में से एक ही होगा एक बार में, वो फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यस सर, ये भी ट्रू है आपका, मतलब ऑलवेज ट्रू है, तो ये सही है आपका। द सन इज ए स्टार, ये भी ट्रू है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट है। शट दी विंडो, ये गलत है, ये मैंने बोला शट दी विंडो तो कोई गारंटी थोड़ी है कि वो आपने विंडो शट की होगी या नहीं, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये आपका एक सेंटेंस है कि शट दी विंडो। तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझो। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई डू नॉट सिक्योर गुड मार्क्स देन आई कैन नॉट गो फॉर इंजीनियर इज, मतलब आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट क्या है देखो, उसमें दो स्टेटमेंट है, पी तो लेट कर देते हैं, आई डोंट सिक्योर गुड मार्क, और क्यों क्या बोला गया, आई कांट गो फॉर इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ये आपको गिवन है इफ देन क्यू, इफ देन क्यू, तो जब भी गिवन हो इफ पी देन क्यू, तो ये क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट है पी, ये कंडीशन स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। P कंडीशनल क्यू का मीनिंग क्या है, इफ P देन Q, कि इफ P है तो देन Q होगा, याद रखें आप। अब ये बोला कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब इसका नेगेशन लेना है आपको। तो जब भी आपको कंडीशनल का क्या लेना, नेगेशन, तो क्या होगा, इसका नेगेशन भी लेना है, उसको रिवर्स भी करना इंटरेक्शन, तो क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ Q नेगेशन ऑफ P, मतलब नेगेशन का मीनिंग उसका अपोजिट लेना है, तो कुछ नहीं करना, ये क्यू है तो क्यू का नेगेशन क्या होगा, आई कांट गो फॉर इंजीनियरिंग, तो क्या लिखोगे, आई गो फॉर इंजीनियरिंग देन आई सिक्योर गुड मार्क्स, आई सिक्योर, अरे दोनों में से नोट हटा दो ना, और क्या है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ सेकंड ऑप्शन आ गया, इफ आई गो फॉर इंजीनियरिंग देन आई सिक्योर गुड मार्क्स, यस सर, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जब भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको फाइंड आउट करना है किसी भी कंडीशनल का, तो प्रॉपर मेथड से करो, कभी गलती नहीं होगी क्वेश्चन में। चले उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ए ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस हैज मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2√6, और एक अनदर ग्रुप है जिसमें 20 ऑब्जर्वेशंस हैज मीन 5 एंड एसडी 3√2, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन
इज, एनी ऑब्जर्वेशन है तो ओ कर देना इसको सही, ठीक है ना। तो चलो उसको करते हैं अपन, थोड़ा केयरफुली देखना। टेन ऑब्जर्वेशन मान लो एक्स वन एक्स टू एक्स टेन, ये टेन ऑब्जर्वेशन गिवन है, इनका मीन क्या होगा, एवरेज क्या होगा, समेशन बाई टेन, ये आपको फाइव गिवन है। तो लिख देते हैं सिग्मा एक्स आई अपॉन टेन इक्वल टू फाइव, तो क्या आ गया सिग्मा एक्स आई आ गया फिफ्टी। और सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग है एक्स बार आपको फाइव गिवन है, ये नोटेशन है शॉर्टकट, इसको बोलते हैं मीन। मीन का नोटेशन क्या लिखते हैं एक्स बार। इसका एच डी कितना गिवन है देखो, तो एच डी का क्या फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू टू रूट सिक्स। यस सर, तो इसकी एक बार स्क्वायरिंग करो, देखते हैं इससे क्या बेनिफिट होगा। स्क्वायरिंग करने से आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन टेन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार इसका फाइव है तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव इक्वल टू चार, ट्वेंटी फोर आ गया ना, इसको उधर भेज दो तो फोर्टी नाइन, टेन को उधर भेज दो तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया इससे फोर नाइन जीरो। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मीनिंग एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर डॉट 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 एक्स टेन का स्क्वायर, इसकी देखते क्या जरूरत होगी। इतना आने के बाद जो सेकेंड ऑब्जर्व सेकेंड ग्रुप है आपका, ये तो फर्स्ट ग्रुप था जीवन, जो सेकेंड ग्रुप है उसमें टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है, उसको नेम लेट करो आप वाई वन वाई टू वाई ट्वेंटी, इनका मीन गिवन है लेट वाई बार, ये कितना है, ये भी फाइव गिवन है तो फाइव लिख दो, और इनका एच डी कितना बोला गया है थ्री रूट टू, तो एच डी का जब स्क्वायर कर दिया तो कौन आता, वेरियंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू आ गया नाइन एटीन आ गया ना, सीधा कर दिया मैंने। तो अब वाई बार कितना है इसका, फाइव है ना, तो पच्चीस और अठारह फोर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी आ गया, मतलब सिग्मा वाई ये आ गया पच्चीस और अठारह फोर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी आ गया, ये सिग्मा वाई आई का स्क्वायर आ गया, मतलब एक्स वन से एक्स टेन की स्क्वायर का सम और वाई वन से वाई ट्वेंटी की स्क्वायर का सम आ गया। इतना आने के बाद मेरे को बताना है कि इन टोटल थर्टी ऑब्जर्वेशन का एच डी बताना है, तो सबका एच डी क्या होगा, रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस के कंबाइंड का बार लेना है मेरे को, सही है ना। तो अब आप ये बताओ, इसका एक्स बार फाइव है, इसका भी वाई बार फाइव है, तो कंबाइंड करोगे तो क्या जाएगा, दोनों का सम बाई टू, तो अगेन ये कितना आएगा, फाइव ही आने वाला, अगेन कितना आएगा बोलो, फाइव आ जाएगा आपका। अरे कर सकते हो ना, सिग्मा एक्स आई फिफ्टी है, सिग्मा वाई आई आपका सो है, तो सबको जोड़ोगे तो एक सौ पचास बटे तीस दोबारा पाँच आ गया ना। तो देखो इनकी वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया, रूट ऑफ ये तो वंस अगेन फाइव है तो ट्वेंटी फाइव आ गया अपॉन एन आपका थर्टी है, और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है, ये क्या आ गया एक्स वन से लेके एक्स टेन की स्क्वायर का सम प्लस वाई वन से लेके वाई ट्वेंटी की स्क्वायर का सम, तो दोनों की वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, कहाँ चला गया वो, फोर नाइन्टी प्लस फोर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी, फोर नाइन्टी प्लस फोर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी, जीरो से जीरो भाग गया तो क्या रह गया, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 6 8 बटे 3 माइनस के 25। यस सर, देखना इसके गुणा भाग क्या आते हैं, 15 का 5 1 13 अपॉन 5 3, तो कितनी बार चला के बताना रहे, 4 3 12 15 5 25 ये आ गया रूट 20, ठीक है। और रूट 20 है क्या ऑप्शन में, रूट 20 की वैल्यू क्या होगी, 2 रूट 5, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन करनी थी क्वेश्चन में, चलो
उसके बाद देखो क्वेश्चन टेंथ में क्या करना है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब, आप दो स्टेटमेंट है उसमें पी और क्यू को कुछ भी लेट करो ट्रू फॉल्स, उसको सोल्व करने पे अगर सारे के सारे फॉल्स आते हैं इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, फॉल्स ही बोलते हैं इसको। तो कर दें, तो कुछ नहीं इसमें, आपको टेबल से क्वेश्चन सोल्व करना है, ट्रूथ टेबल से करो क्वेश्चन को, बस इसमें एक काम आ रहा है नेगेशन वाला सिंबल, तो याद रखें पी नेगेशन क्यू, सॉरी पी कंडीशनल क्यू गिवन है, तो सिंपल सी बात ये ऐसे लिख लेते हैं अलग से, ये पी और क्यू है और पी कंडीशनल क्यू गिवन है, अगर ये ट्रू है और ये पहला वाला ट्रू है बाद वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, रिमेनिंग सारे केसेज में आंसर हमेशा ट्रू आता है, ठीक है ना, ये आप याद रखें, उसके बाद तो क्वेश्चन फिनिश है। देखो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, ये ऑप्शन से वेरीफाई करना, तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोला गया लिख लेते हैं, पी एंड क्यू, बाद में एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू, यही है ना, तो इसकी टेबल बना के देखते हैं। तो देखो इधर पी यू लेट करो, फिर क्यू लेट करो, पी क्यू के बाद ये लिखें आप पी नेगेशन क्यू, सॉरी पी एंड क्यू लिखो, फिर पी और क्यू लिखो, फिर बाद में इसका नेगेशन निकालो, और बाद में क्या करना है, इन दोनों का मेरे को एंड लेना है, इंटरसेक्शन लेना है जी। तो देखो ये दोनों अगर ट्रू हैं तो ट्रू और ट्रू का एंड ट्रू आ गया ना, एंड का मतलब कॉमन पार्ट बोल दो आप, और इनका यूनियन आ गया फॉल्स, सॉरी दोबारा ट्रू आ गया, और ट्रू का नेगेशन फॉल्स होगा, और ट्रू का फॉल्स के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स आ गया ना, मेरे को चारों के चारों फॉल्स लेके आने देखने ही पड़ेगा आपको। तो इसने पूछा कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, अगर मैं, अब देखो एक बात सुनो, सीधी सीधी बात है, इसका और इसका कौन सा एक भी ट्रू आ गया तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो ये ट्रू कब आ सकता है वो देख लो एक बार, तो इन दोनों में से क्योंकि एंड है, एक ट्रू और एक फॉल्स आ गया ना, सॉरी दोनों ट्रू आते हैं तो फिर आंसर आपका इंटरसेक्शन ट्रू आ जाएगा। तो ये लाने के लिए काम करो, अगर मैं टी एफ लेता हूं तो इंटरसेक्शन एफ आ गया, एफ टी का भी एफ होगा और एफ एफ का भी इंटरसेक्शन आपका फॉल्स होगा, ये सर, और यूनियन करोगे तो क्या आएगा, टी एफ एफ टी, इसका तो यूनियन टी आ गया, इसका टी आ गया, इसका यूनियन एफ आ गया, कॉमन एफ होगा ना, और बाद में इसका नेगेशन फॉल्स आ गया, इसका नेगेशन फॉर इसका ट्रू आ गया, तो देन देखो फॉल्स और फॉल्स का यूनियन इंटरसेक्शन फॉल्स आ गया, इनका भी यूनियन इंटरसेक्शन फॉल्स आ गया, और ट्रू और फॉल्स का इंटरसेक्शन फॉल्स आ गया, मतलब ये आपका क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन, तो शायद इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है ना, तो चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बट करना ऐसे ही आपको, ठीक है ना, तो ट्रुथ टेबल से देख लो, जिसमें चार स्टेटमेंट बनेंगे टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, इनको ऑपरेशंस लगाने के बाद अगर टेबल में चारों के चारों फॉल्स आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्सी या कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, ठीक है, और अगर चारों ट्रू आते हैं उसको बोलते हैं क्या, ट्रू वाले को क्या बोलते हैं, अरे यार बड़ी याद नहीं आ रहा मेरे को, टोटोलॉजी बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट टू आने चाहिए, इसको बोलते हैं टोटोलॉजी, ठीक है, चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया, क्वेश्चन 11 में बोला गया ए लैडर इज इंक्लाइंड टू ए वॉल एट एन एंगल अल्फा, इट्स फुट ऑफ फुट इज ड्रॉन अपॉन ए डिस्टेंस ए एंड एज सच दैट इट्स स्लाइड
ए डिस्टेंस बी अलोंग दी वॉल एंड मेक एन एंगल बीटा विद दी वॉल देन ए इज इक्वल टू इट स्लाइड ए डिस्टेंस बी अलोंग दी वॉल। इसका मीनिंग क्या देखो, स्टार्टिंग में एक लेडर आपकी दीवार के सारे ऐसे रखी हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग की पोजीशन है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला गया, इसकी लेंथ तो लेट एल लेट कर देते हैं। ए लेडर इज इंक्लाइंड टू ए वॉल, ये वॉल के साथ एंगल बनाती है अल्फा। फिर क्या बोला गया है, इट फुट इज ड्रॉन, फुट का मतलब ये, इस लेडर के फुट को आपने आगे ए डिस्टेंस से पुल किया, खींचा। तो इसको आगे खींचोगे तो होगा क्या, ये ऊपरी सिरा नीचे जाता है, ये बी डिस्टेंस नीचे जाता है इसे। तो फिर लेडर की सेकेंड केस में जो पोजीशन वैसे बन जाएगी ना, तो सेकेंड केस में अगर जब लेडर को पुल्ड करोगे, ए डिस्टेंस इधर है तो नीचे बी डिस्टेंस है, तो लेंथ तो बेटा अभी भी एल होगी ना, तो फिर ये अगेन बॉल के साथ एंगल बनाती है बीटा दीवार के साथ। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, और ए की वैल्यू लानी है इन टर्म्स ऑफ बी और अल्फा बीटा की टर्म में। आगे सबको डायग्राम समझ में, तो देखो कैसे करना चाहिए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी है अपन को। एक काम करते, दो ट्राइंगल है, ये टू ट्राइंगल की हेल्प से देखते हैं हो गया क्या। सबसे पहले देखते हैं इस वाले ट्राइंगल में, इसको लेट ए बी सी, इसको ई और एफ लेट कर देते। देखो सबसे पहले डेल्टा ए बी सी की बात करते हैं। एक काम करो, ये लेंथ तो आपकी ए है ना, इसको अपन एक्स लेट कर देते हैं और इस लेंथ को वाई लेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप डेल्टा ए बी सी में बात करोगे, तो देखो डेल्टा ए बी सी के अकॉर्डिंग ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो इससे लिख सकता हूँ मैं साइन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन एल। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ बी अल्फा बीटा, तो एक्स वाई जो मैंने लेट की इनका बाद में करना है एलिमिनेशन, एल का भी करना है एलिमिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आ गया एक्स इक्वल टू एल साइन अल्फा, यस सर। आफ्टर दैट क्या करना है, इसी में आप अगर कॉस अल्फा की बात करोगे, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपन हाइट हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है बी प्लस वाई, तो आ गया बी प्लस वाई अपन एल, इम्प्लाइज दैट एल से मल्टीप्लाई, तो इससे आ गया बी प्लस वाई इक्वल टू एल कॉस अल्फा। दो रिजल्ट इससे मिल चुके हैं। सिमिलरली अब अपन बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की, डेल्टा ए ई एफ में। डेल्टा ए ई एफ में वंस अगेन साइन बीटा क्या होगा, दिस अपॉन एल। तो साइन बीटा तो आ गया बेटा, ये लेंथ कितनी है एक्स प्लस ए, या ए प्लस एक्स बाई एल, इंप्लाइज दैट इससे क्या लिखोगे मल्टीप्लाई करने पे, एक्स प्लस ए इक्वल टू एल साइन बीटा। देखते हैं इसका यूज क्या होगा। और लास्ट कंडीशन इज वंस अगेन कॉस बीटा वाई अपॉन एल, तो ये आ गया कॉस बीटा इक्वल टू वाई वाई एल, तो वाई इक्वल टू आ गया जो एल कॉस बीटा। आपको एक्स वाई का एलिमिनेशन करना है, एल का एलिमिनेशन करना है, और ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी अल्फा बीटा में लानी है। तो देखो क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट करने के लिए तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को पकड़ो। तो एक काम करें, सेकेंड में से इसको माइनस कर देते हैं, इसको लेट कर दो इधर, देखो ब्लैक बोर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सब की हेल्प लेते हैं। तो क्या करो, थर्ड में से मैंने सीधा फर्स्ट को सबट्रैक्ट किया, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स ए आ गया, और दिस माइनस दिस करने पे एल तो आ गया कॉमन, तो एल कॉमन लेने पे आ गया साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, यस सर। सिमिलरली ये बी प्लस वाई है, ये वाई है, तो इस बार सेकेंड में से फोर्थ को कर दो सबट्रैक्ट। तो सेकेंड में से जब फोर्थ को सबट्रैक्ट करोगे बेटा, तो b प्लस वाई माइनस वाई बी, और इक्वल टू क्या आ गया l cos अल्फा माइनस l cos बीटा, तो l कॉमन लोगे तो आ जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा। और आपको l को भी एलिमिनेट करना था, काम करो ना, a की वैल्यू करनी है फाइंड आउट, यही पता ना a की वैल्यू चाहिए, काम करो दिस अपॉन दिस, तो लेफ्ट में तो आ गया a अपॉन b, इधर करोगे तो l से l कैंसिल आउट, तो ये आ गया sin बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। तो कुछ मत करना, इसमें साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, गुणा भाग करना।
उसको सोल्व करने पर जाएगा ए इक्वल टू बी कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है ना, ये गुणा भाग करना आंसर जाएगा आपका, सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, हटा दीजिए इसको। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन 12 में बोला गया कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनेट, मतलब इस लिमिट को सोल्व करना और क्या, तो लिख लेते हैं अपना क्या जाएगा। देखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब, और ये तो बहुत खतरनाक दे रखा, 1/x माइनस के 1/x से 1/x लॉग 1+t² अपॉन 1+e^t। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ब्लैक बोर्ड पे, जब x को लिमिट पुट करोगे x की इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी है ना, 1/∞, 1/∞। तो जब इंटीग्रेशन की बहुत लिमिट्स आर सेम तो वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये तो बन गया 0, ये इन्फिनिटी है, तो देन ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। तो जब भी इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो तो क्या करोगे, उसको या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। आफ्टर दैट क्या करना है, वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करें, इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए पुट कर दो, अपन 1/x या x को लेट कर दो 1/t, तो उसका टी मत लेट करो, पी लेट करो, क्योंकि टी तो ऑलरेडी आ रहा है क्वेश्चन में। इसके दो बेनिफिट होंगे कि लिमिट तो आपकी माइनस पी से पी बन जाएगी, और एक्स की लिमिट आपकी जीरो बन जाएगी, मतलब लिमिट बन जाएगी पी टेंस टू जीरो। तो लिमिट अगर जीरो होगी ना, तो अगर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिमिट में बना, तो अपन ने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के लिए काफ़ी सारी स्टैंडर्ड लिमिट को रीड किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने इसमें यूज किया सब्स्टिट्यूशन एक्स को 1/p, तो एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो पी क्या आएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा ना, अरे पी क्या आएगा, 1/x। तो एक्स अगर इन्फाइनिट की तरफ टेंड करेगा तो पी टेंस टू क्या आएगा, जीरो। तो देन आप लिख सकते हो लिमिट पी टेंस टू जीरो, इसमें तो आ गया इंटीग्रेशन माइनस पी से पी लॉग 1+t² अपॉन 1+e^t dt, यस सर। और बेटा एक्स को लोगे 1/p, तो अपॉन में आ गया पी क्यू, हो गया काम। और अब देखो लिमिट लगाओ पी की, जीरो जीरो से जीरो, ये जीरो आ गया पी जीरो, ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है, 0/0 फॉर्म, बोलो हाँ है ना। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या कह सकते हैं, न्यूमेटर का न्यूमेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमेटर का डिनोमेटर में डिफरेंशिएशन। तो चलो डायरेक्ट कर देते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो देन लिमिट पी टेंस टू जीरो, एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, जो भी इच्छा है कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, तो न्यूमेटर का इंटीग्रेशन तो क्या करोगे, न्यूटन्स लेबनिज़ फॉर्मूले से, जब भी ये फिक्स है मोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में, जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल हो ना, तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग न्यूटन्स लेबनिज़ फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करो टी की जगह, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो पी का 1 हो जाएगा, माइनस पी पुट करो और माइनस पी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि लिमिट मेरी पी की है, तो पी आपका वेरिएबल इसमें। तो क्या जाएगा, देखो पी पुट करने पर आ गया लॉग 1+p² अपॉन 1+e^p माइनस e^ माइनस पी रखोगे, टी की जगह माइनस पी लोगे तो नो चेंज, ये तो सेम आ गया, तो माइनस लॉग 1+p² और अपॉन में आ गया 1+e^-p, और माइनस पी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1, तो प्लस हो गया ना, और अपॉन में आ गया पी क्यूब का 3p². अब इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो लेट लिमिट पी टेंस टू जीरो, इसमें लॉग 1+p² तो कॉमन आ गया, ये लो, और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 1/1+e^p प्लस e^-p को लिखो 1/e^p, तो देन ही आ गया 1/1+, और अब आपको पता होगा ये इधर चला गया और एलसीएम न्यूमेटर में आ गया, ये लो सीधा कर देते हैं इसको,
तो बेटा ये दोनों में सेम है तो आप एलसीएम लोगे ना, और एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आ गया 1 प्लस ई की पावर बी, और न्यूमेटर भी आ गया 1 प्लस ई की पावर बी, तो ये सारी वैल्यू क्या बन चुकी है 1, हटा दो उसको, ये 1 हो गया, तो क्वेश्चन रह गया लिमिट पी टेंस टू जीरो 1/3 लॉग 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो थोड़ा केयरफुली देखना, ये आप सबने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करना है, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट है आपकी। इसका मीनिंग ये है, ऐसा जरूरी नहीं कि लिमिट जीरो, लिमिट चेक कुछ भी हो उस लिमिट को पुट करने पे न्यूमीटर भी आपका जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, डिनोमीटर भी आपका जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए बस। तो जीरो पुट करो, लॉग 1 जीरो, जीरो पे जीरो, तो ये दोनों अगर लिमिट पुट करने पे लॉग 1 प्लस एक्स और अपॉन में जो एक्स है वो दोनों जीरो की तरफ टेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 लेनी है। तो देखो इसमें बस एक चीज़ ये कि दोनों जीरो की तरफ टेंड करें और दोनों में ये एक्स सेम होना चाहिए, तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है। देखो पी को जीरो लेने पे लॉग 1 भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, पी स्क्वायर भी जीरो की तरफ, और ये पी स्क्वायर है तो ये भी क्या पी स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू आपकी 1 होगी, तो देन फाइनल आंसर जाएगा 1/3। क्या आंसर होगा बोलो? 1/3। चले तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है। क्वेश्चन 13 में बोला गया आपसे एफ एक्स गिवन है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो आपको 0 से π/2 एफ एक्स एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू को करना है कैलकुलेट, और जो ऑप्शन है वो भी आपको इंटीग्रेशन एफ एक्स की फॉर्मेट में गिवन है। तो देखो क्या करें, तो जिसकी वैल्यू बतानी इसको हाईलाइट कर दो कि आई इक्वल टू 0 से π/2 एफ एक्स इंटू एफ ओ π/2 माइनस एक्स, यस सर, इंटू डी एक्स। काम करें अपन सबसे पहले एफ एक्स और एफ ओ π/2 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई इक्वल टू आ गया बेटा 0 से π/2 एफ एक्स तो होगा साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू, इसमें क्या करना है एक्स को π/2 माइनस एक्स, तो क्या आ गया साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो उसको करना क्या है। तो इसमें एक तो इंटरेस्टिंग बात ये इस क्वेश्चन में कि जो ऑप्शन है ना इन सब में लिमिट आ रही है 0 से π, इसका मतलब इस π/2 को π लेके आना, तो ये ध्यान रखना इस बात, उसके बाद कुछ नहीं करना, और रिमेनिंग पार्ट को एफ एक्स लेके आना है। तो एक काम करो साइन π/2 माइनस एक्स तो आ गया कोस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम हो जाएगा न्यूमीटर में, तो ये आ गया आई इक्वल टू 0 से π/2 अपॉन में तो आ गया एक्स और पाई माइनस 2x, और बेटा न्यूमीटर में क्या आ गया एलसीएम वाला पार्ट न्यूमीटर में आ गया, और ये आ गया साइन एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स इज कोस एक्स, यस सर, और बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, यस सर। इतने गुणा भाग तो सारे बच्चे कर दोगे, इतना आने के बाद आपके दिमाग में थॉट आनी चाहिए कि अपन को इसको साइन एक्स अपॉन एक्स में लाना है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स में जब ही आ सकता है जब इस 2x की जगह एक्स आए, तो सबसे पहले काम करो पुट कर दो 2x को t, तो जिसमें दोनों काम एक साथ हो जाएंगे आपके, देखना क्या करें पुट 2x को t, 2x को t लेट करने से दो बेनिफिट होंगे, एक तो आ गया sin t और दूसरा लिमिट भी आपकी 0 से पाई आ जाएगी। तो देखो क्या आ जाएगा आई इक्वल टू केयरफुली 0 पे तो 0 होगा, x को π/2 लेने पे t पाई आ गया, और ये आ गया sin t अपॉन x की जगह आ जाएगा π/2 इंटू पाई माइनस के टी, और बेटा डी एक्स की वैल्यू क्या होगी डी टी अपॉन टू, क्या होगी बोलो डी टी अपॉन टू, तो देन ये देखो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, यस सर। तो इसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा आई इक्वल टू 0 से π साइन टी अपॉन टी इंटू पाई माइनस टी डी टी। असली लड़ाई इसकी कि इसका क्या करें, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें यूज करना है पार्शियल फ्रैक्शन, बस इसके बाद क्रिटिकल स्टेप है इसकी, इसको लिखो 0 से π साइन टी को तो एज इट इज रखो, इस 1/t पाई माइनस टी को देखो मैं लिख के बताता हूँ फिर समझ जाओगे क्या मीनिंग है। देखो इसको ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, देखो ना एलसीएम लो, इधर टी आ गया, इधर माइनस पाई प्लस टी आएगा, हाँ या ना, सॉरी प्लस कर दो, सीधा सीधा क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये करने से क्या आ गया
एलसीएम तो टी इंटू पाई में टी आ गया, और न्यूमेटर में क्या आ गया, पाई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो पाई एक्स्ट्रा आ रहा था, एक काम करें ना आगे वन अपॉन पाई लगा दो, पाई तो कॉन्स्टेंट है, तो क्या आ गया आई इक्वल टू वन अपॉन पाई जीरो से पाई, अब इस साइन टी को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया साइन टी अपॉन पाई माइनस टी प्लस, मैंने क्या किया पहले यूज किया पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया, वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन पाई माइनस टी, तो ऐड करने पे मतलब कुछ भी करो उसको सॉल्व करने पे दोबारा क्वेश्चन आना चाहिए, सीधी सीधी बात है, तो एलसीएम सेम आ गया और न्यूमेटर में पाई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैंने पाई से डिवाइड कर दिया बैलेंसिंग के लिए, साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से और सेपरेट लगा दो इंटीग्रेशन, तो प्लस ये आ गया जीरो से पाई डी टी दोनों पे जाएगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा दोबारा, ये तो एफ ऑफ टी आ गया ना, एफ एक्स हो एफ ऑफ टी हो क्या दिक्कत है, और देखो ढंग से ओनली फर्स्ट इंटीग्रेशन में जब आप पी फोर प्रॉपर्टी लगाओगे, पी फोर का मतलब टी इज रिप्लेस बाय ए प्लस बी माइनस टी, तो टी को रिप्लेस करना है पाई माइनस टी से, तो टी इज रिप्लेस बाय पाई माइनस टी, तो टी की जगह जब पाई माइनस टी लोगे तो साइन टी आ गया और पाई माइनस टी वंस अगेन आपका टी आ जाएगा, इसका मतलब ओनली इस पार्ट में जब पी फोर लिमिट लगाओगे एक्स इज रिप्लेस बाय ए प्लस बी माइनस एक्स, तो टी की जगह रखोगे पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी साइन टी और पाई माइनस टी टी, तो ये दोनों सेम होंगे तो डबल हो गया ना, तो क्या आंसर आ गया आई इक्वल टू टू अपॉन पाई जीरो से पाई साइन टी अपॉन टी डी टी, और दिस इज एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी लिखो या कुछ भी मानो, टी मत मानो क्योंकि डी टी क्वेश्चन में आ रहा है, तो ज्यादा वो है कुछ नहीं, उससे एक्स मान लो बाद में डमी वेरिएबल को एक्स लिख दो, तो क्या बन गए जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स, देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, यस सर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा टू अपॉन पाई जीरो से टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स, तो 13 का आपको फर्स्ट ऑप्शन फिल करना, चले एक अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय जेड विच सेटिस्फाई मोर जेड आपका 2 से 3 है और आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका 0 से पाई बाय 4 है, ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान रखना इसमें, ठीक है, तो देखो क्या करना है, मोर जेड आपको 2 से 3 गिवन, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं जेड को एक्सप्रेस आईटा वाई मानता हूं तो उसका मोड जेड कितना जाएगा रूट ऑफ, तो मोड जेड की वैल्यू पुट करने पे क्या जाएगा स्क्वायरिंग कर दो साथ के साथ, तो ये क्या है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर जीरो जीरो है, इसकी रेडियस टू इसकी रेडियस आपकी थ्री है, तो उस इन दोनों का इंटीरियर पार्ट आ गया, तो ठीक है ना, अरे मोड जेड का मीनिंग है एक सर्किल है जिसका सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस क्या है टू से लेके थ्री के बिटवीन है, सिंपल सी बात ये, और एक बात बोली गई कि जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, आर्गुमेंट जेड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो जीरो से तो ग्रेटर लेना है और पाई बाई फोर से लेस और इक्वल लेना है, देखो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों का जब डायग्राम बनाओगे तो उससे जो रीजन ड्रॉ होगा उसी का एरिया आपको करना है कैलकुलेट, तो देखें सर्किल का सेंटर जीरो जीरो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इसकी रेडियस टू है और इसकी रेडियस फोर है, इसका इंटीरियर पोर्शन लेना है ये वाला, ये तो बात हुई इसकी, ठीक है, इन दोनों के अंदर वाला पोर्शन, आफ्टर दैट क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड का मीनिंग क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो लाइज ऑन दी इन बोथ कर्व के बिटवीन, तो उसका आर्गुमेंट क्या बोलेगा, जीरो से ग्रेटर है पाई बाई फोर से लेस है, तो इसका मतलब ये हो गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होगा तो ये आर्गुमेंट आपका पाई बाई फोर बोला गया, बोलो आया ना,
समझ में आया कि नहीं है, ये मीनिंग है। तो आर्गुमेंट मिनिमम जीरो हो सकता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, इधर हो भाई अपन को इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को इन दोनों के बिटवीन मानना है, तो इधर मानो ना मिनिमम, आर्गुमेंट जेड जीरो आ गया, फिर जेड को अंदर लेते जाओ तो आर्गुमेंट बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम लेना पाए फोर, तो देन आपको ये एरिया बताना है ओनली, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया इस एरिया को स्ट्रेच किया गया, तो ये एरिया क्या होगा, ये क्या एक सेक्टर का एरिया है, तो इस एरिया को इसको थीटा मान लो और थीटा कितना है पाई बाय 4, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ये इसका सेंटर है तो पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो ग्रेटर वाले का एरिया क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर 9 थीटा, तो थीटा ही होगा ना पाई बाय 4, माइनस छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो, इस टोटल सेक्टर के एरिया में से ये स्मॉल सेक्टर का एरिया सबट्रैक्ट करोगे तो इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया आपका होगा फाइंड आउट, तो अगेन 1/2 आर स्क्वायर इज 4 थीटा, तो कितना आ गया थीटा बाई 2 तो कॉमन आ गया तो 5 आ गया ना, तो आंसर कितना आ गया 5 थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कितनी पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 5π/8, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कोई इन दोनों से बाउंडेड बाय, अगर रीजन स्क्रैच करवाना चाहे इन दोनों से बाउंडेड बाय एरिया को डिनोट करो तो उसका एरिया यही डिनोट करना है, बाकी कुछ मत कर देना, ठीक है चलो। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया बेटा, इफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग मोड जेड माइनस, लिखते हैं एक बार, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है मोड जेड माइनस जेड माइनस, इसमें से माइनस को मान लेके इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं समझाने के लिए, तो जेड लाइज या जेड रिप्रेजेंट्स विच लोकस, ए हाइपरबोला, ए लाइन सेगमेंट, पेयर ऑफ रेज और ए रे, मतलब पेयर ऑफ रे का मतलब दो रे हैं, रे का मीनिंग जो किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, सेगमेंट का मीनिंग दो पॉइंट के बिटवीन जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं सेगमेंट, और सिंगल रे का मीनिंग जो सिंगल एक पॉइंट से पास होती है, जैसे ये पी क्यू तो आपका सेगमेंट है, ये पॉइंट पी है और इससे आपने एक रे पास कराई तो इमिनेटिंग फ्रॉम पी, तो ये सिंगल रे है और ये पॉइंट पी है, ये लेट क्यू है, तो एक रे इधर भागती और एक रे इधर भागती, तो ये क्या पेयर ऑफ रेज है, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग अपन को ऑप्शंस की बात करनी, देखते हैं बन भाई, और फर्स्ट ऑप्शन तो बोला गया हाइपरबोला, तो देखो इसको ज्योमेट्री से ही करना है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज है और इसमें हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन का भी यूज करना है, देखो ये आपको पता होगा शायद, इसको ऐसे लिखने में क्या बुराई है, जेड माइनस जीरो माइनस जेड माइनस, इसको लेट कर दो आप जेड वन, ये जेड ही रखो कोई बात नहीं, एक बार ऐसे ही अभी समझा जाएगा, टेंशन मत लो, तो इसको जेड वन नेम दिया जाए, इसको अगर जेड टू नेम दिया जाए, तो एक लोकस आ गया जेड माइनस जेड वन का मोड माइनस जेड माइनस जेड टू का मोड इक्वल टू 10, तो एक आप सबने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ लोकस पढ़े होंगे बेटा, जेड माइनस जेड वन का मोड माइनस जेड माइनस जेड टू का मोड इक्वल टू के, अगर इस पे पूरे पे दोबारा मोड लगा दी तो इसका मीनिंग क्या है, जेड की जेड वन से डिस्टेंस और जेड की जेड टू से डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उसका लोकस क्या पढ़ते हो आप, हाइपरबोला, एक पॉइंट पी जेड है, इस पॉइंट की दो पॉइंट है जेड वन और जेड टू से डिस्टेंस, तो इसको ए लेट कर देते हैं, इसको बी लेट कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं P की A से डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस का डिफरेंस का मोड अगर क्या हो, कांस्टेंट हो,
तो ये किसका लोकस है? हाइपरबोला का लोकस है। बट इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो जेड वन जेड टू की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के से ग्रेटर या लेस होनी चाहिए। के से ग्रेटर है तो उस केस में पॉसिबल। अरे देख लो ना, इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस क्या बोलते हैं, ये क्या है दोनों कि पॉइंट पी की जेड वन जेड टू से डिस्टेंस का डिफरेंस कॉन्स्टेंट है। तो जेड वन जेड टू का उसकी फुकाए है ना, तो बहुत फुकाए के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, टू ए। तो ये आ गया टू ए इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का मोड। और एक बात बताओ, टू ए कितना है, ये कॉन्स्टेंट होगा के, तो क्या आ गया के इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का मोड। तो एक बात बताओ, हाइपरबोला के केस में सेंट्रिसिटी वन से ग्रेटर होगी ना, तो ई अगर आपका वन से ग्रेटर तो ई की वैल्यू पुट कर दो, तो जेड वन माइनस जेड टू का मोड ग्रेटर देन के। तो सीधी सीधी बात है, के अगर जेड वन माइनस जेड टू के मोड से छोटा है तो ये हाइपरबोला होगा। अगर के ग्रेटर देन आ गया तो नो लोकस आंसर आता है। और के अगर इक्वल आ गया, के अगर जेड वन माइनस जेड टू के मोड के इक्वल है तो फिर आंसर उसका लाइन सेगमेंट आता है। क्या आता है आंसर, लाइन सेगमेंट। तो देखो इसमें बेसिकली होगा क्या, जेड वन तो है आपका जीरो जीरो और जेड टू है 6.8, तो दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस देखो 10 आ रही है। तो जेड वन माइनस जेड टू का मोड आपका 10 है, इसका मतलब ये हाइपरबोला नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में किस पे ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो लोकस है ना हाइपरबोला, हाइपरबोला लाइन सेगमेंट और नो लोकस, ये उसी केस में अप्लाई करना है जब पूरे पे दोबारा मोड आ रहा है। ये इस केस में हाइपरबोला की इक्वेशन है। कब? जब के आपका दिस कंडीशन को फॉलो करता है। तो के अगर दिस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। और बाई चांस अगर मैंने मोड हटा दिया, थोड़ा केयरफुली देखना वंस अगेन, मोड तो हटा दिया बट लेकिन अभी भी केस को फॉलो करता है तो अभी भी ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, बट ये उसकी सिंगल ब्रांच होगी, क्योंकि हाइपरबोला में दो ब्रांच है तो उसमें से एक ब्रांच होगी। ये कौन सी होगी वो भी बताया जा सकता है, अपन आना चाहिए अपन को, अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया जाए क्लास में, ठीक है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे क्या देखना है, तो ये समझ में आ गया होगा सबको। देखो ब्लैक बोर्ड पे, ये जीरो जीरो है और ये आपका 6.8 है। तो जेड वन जेड टू या ए भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और वेरिएबल पॉइंट है पी जेड। तो पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये तो क्या है ए पी डिस्टेंस, ये क्या है पी वी डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं ना, पी ए माइनस पी वी का जो डिफरेंस है वो आपका 10 आ रहा है, हाँ है ना। और देखो ब्लैक बोर्ड पे सभी, पी ए और पी वी का जो डिस्टेंस है वो 10 आ रहा है और ये ए बी की इक्वल आ रहा है, हाँ है ना, किसकी इक्वल आ रहा है ए बी की इक्वल। तो लिख सकते ना पी ए माइनस पी वी आपका ए बी आ गया, तो ये हाइपरबोला तो नहीं होगा। अब हाइपरबोला नहीं है तो फिर सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कौन सा टिक करना है, तो उस पर थोड़ा काम करेंगे अपन। तो इसको हटा दीजिए इधर से, तो देखो बेटा इसके डायग्राम तो देखो आप, ये पॉइंट ए आपका जीरो जीरो, ये पॉइंट बी आपका 6.8, पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस का डिफरेंस ए बी आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? एक बात बताओ, जब प्लस होगा ना कि पी के ए से डिस्टेंस, पी ए प्लस पी बी आपका ए बी आ गया, कब पॉसिबल है, जब पी ए बी के बिटवीन लाई करने वाला है। अभी ये कब पॉसिबल हो सकता है, अगर मैंने पॉइंट पी को इधर माना, पॉइंट पी अगर आपका इधर है, तो देखो ये तो आपकी पी ए डिस्टेंस है और ये आपकी पी बी डिस्टेंस है, ये सर। तो एक बात बताओ, पीए में से जब आप पीवी को माइनस करोगे क्या करोगे, बात को थोड़ा केयरफुली देखो, ये तो पीवी डिस्टेंस है, तो पीवी में से पीए को माइनस करोगे आप, तो ए भी आ गया ना, क्या गया पीवी माइनस पीए आपका ए भी आ गया, ये सुन लो। मैं इधर वाला लिया मैंने, पॉइंट पी को अगर इधर ट्राई लेट कर दो, पॉइंट पी को अगर ए के लेफ्ट में लेट करोगे आप तो क्या लिखोगे, पी वी में से जब पी ए माइनस करो तो ए वी आ गया। बट मेरे क्वेश्चन में क्या है, पी ए माइनस पी वी इक्वल टू ए वी है, मतलब ये भी गलत बात है। तो एक काम करते हैं, इस बार पी को उधर मानते हैं, ये ए है आपका, ये बी है,
और अगर पॉइंट पी आपने इस जगह लेट किया, अब दोबारा देखो ये डिस्टेंस तो आपकी एपी है और ये डिस्टेंस आपकी बीपी है। तो देखो ना एपी में से जब बीपी को सबट्रैक्ट करोगे तो टोटल माइनस दिस इज एबी, तो शायद अब ये अपने उस लोकस को क्या करता है सेटिस्फाई। तो पॉसिबिलिटी दोनों जो है बट अपने क्वेश्चन में कह रहा है पी ए माइनस पी बी का डिफरेंस ए बी है, तो देन ये आपका लोकस करेक्ट होगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट पी है ना ये बी के हमेशा इधर राइट में आना चाहिए, मतलब पॉइंट पी इस पॉइंट पे भी आ सकता है, बी पॉइंट पी भी मानोगे फिर भी सही है ना, क्योंकि पॉइंट पी अगर बी आ गया तो जीरो आ गया तो ए पी इक्वल टू ए बी आ गया, दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है ना। तो पॉइंट पी आपका इस जगह से स्टार्ट होकर इधर की तरफ आगेगा वो, तो क्या है कि एक रे है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऑप्शन से, और ये गलत है और ये आपका सही होगा। तो अभी इसका आंसर केवल सिंगल रे होगा। अगर इस क्वेश्चन पे मोड आ जाता दोबारा पूरे पे, तो दोबारा मोड लगा दोगे तो ये मोड आ गया, फिर तो क्या करोगे पी ए माइनस पी बी लिखो या सॉरी पी बी माइनस पी ए लिखो या पी ए माइनस पी बी, मोड लेने पे वैल्यू हमेशा ए बी होगी, तो उस केस में इसका आंसर आएगा टू रेज। तो अभी क्या आंसर लिखना है सिंगल रेज का आंसर होगा, तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस बात को। चलो अगर आपने सिंपल अगर डायरेक्ट कर दिया कि सर जेड को एक्स प्लस आई टू वाई लेट करके फटाफट कर दो नॉर्मल वे में दो बार स्क्वायरिंग करके, तो उसको सॉल्व करने पे आंसर एक हाइपरबोला की क्वेश्चन आती है, ठीक है, बट वो आंसर आपका रॉन्ग होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो दे रखा है वो उसी मेथड से गिवन है, बट उसको आगे फर्दर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, उस पर थोड़ा सोचना है कि आगे क्या करें इसका, ठीक है ना। चलें तो जो लोकस पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे लोकस प्रॉपर वे में याद होने चाहिए सबको। चले उसके बाद 16 क्वेश्चन तो बेटा सिंपल है काफी। क्वेश्चन 16 में क्या बोला गया देखें, द वेक्टर गिवन है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो वेक्टर सेम ही बात है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड इक्वल टू माइनस फोर प्लस फाइव आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया इज टर्न काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने 180 डिग्री के एंगल से रोटेट किया एंड स्ट्रेच वन बाय हाफ सॉरी वन थ्री बाई टू टाइम्स, मतलब उसको आपने उसकी लेंथ को 3/2 टाइम्स से इंक्रीज करके 180 डिग्री के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो देन फाइंड दी कॉम्प्लेक्स नंबर इन न्यूली ऑब्टेंड वेक्टर, मतलब न्यूली पोजीशन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पी जेड ये वाला, क्योंकि तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ये पॉइंट है ना माइनस फोर कॉमा फाइव, इस पॉइंट इस ओपी सेगमेंट को आपने क्या किया, इस ओपी सेगमेंट को आपने लेट किसी एंगल थीटा से रोटेट किया 90 बाद में मान लेना, आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट किया, तो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया लेट पी डैश जेड वन, तो शायद ये ओरिजिन है जीरो। तो आपने सबने रोटेशन थ्योरम पढ़ी होगी, क्या फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन माइनस जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो इक्वल टू ओपी डैश की लेंथ अपॉन ओपी की लेंथ ई की पावर आयोटा थीटा, याद है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या यूज करते हैं रोटेशन थ्योरम, ऐसे यूं फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जेड वन माइनस जीरो अपॉन इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माइनस जीरो इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ ई की पावर आयोटा एंगल बिटवीन देम, यस सर। तो देखो ये तो जीरो हटाओ तो क्या आ गया जेड वन अपॉन जेड इक्वल टू ओपी डेस, क्या है ये स्टार्टिंग में लेंथ अगर ओपी है तो बाद में कुछ ने क्या बोल दिया इसको 3/2 टाइम्स आपने इंक्रीज कर दिया, तो देन आप लिख सकते हो ना ओपी डेस इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ ओपी, यस सर। तो इससे क्या गया ओपी डेस अपॉन ओपी आपका 3/2 आ गया, सीधा रेशियो मिल गया मेरे को, बोलो आया ना, तो ये तो आ गया 3/2। और बेटा ई की पावर आयोटा एंगल कितना है पाई, क्योंकि आपने पाई एंगल पाई से इसको रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसको सोल्व करने पे देखो आपका आंसर जाएगा जेड वन इक्वल टू 3/2 जेड, और बेटा ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो क्या आ गया कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई तो जीरो हो गया, हटा दो रे, तो कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, तो क्या आ गया आंसर माइनस के थ्री बाई टू जेड, और जेड गिवन है माइनस फोर प्लस फाइव आयोटा, तो मल्टीप्लाई करो छः दूनी बारह बटे दो छः माइनस के फिफ्टीन आयोटा बाई टू, तो ये न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपका, ठीक है चलो। और ये क्वेश्चन शायद आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना, ठीक है बस सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन फिल करना चलो। उसके बाद चलो दो तीन क्वेश्चन और देखो वन बाई वन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन 17 में क्या बोला गया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जेड बिलोंग्स टू सी, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब भी आपको क्या करना है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सोल्व करना है तो उसका बेटर ऑप्शन यही है कि आप जेड को लेट करो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड स्क्वायर तो कितना जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई आयोटा प्लस मोड जेड क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन मोड जेड स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये लो वाई स्क्वायर कैंसिल तो ये आ गया बेटा टू एक्स स्क्वायर प्लस, इतना आने के बाद क्या करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर, तो जब ये कार्यक्रम करोगे तो देखो कितना है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इसमें, सही है और क्या है, तो देखो आप चाहो तो 2x कॉमन ले सकते हो, 2x कॉमन लो क्या लो सीधा रियल को रियल से कंपेयर कर दो इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर, तो रियल को रियल से कंपेयर करोगे तो 2x स्क्वायर जीरो आ गया एंड 2xy भी जीरो आ गया, एंड करो दोनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, तो दोनों को एक साथ ट्रू करना, तो देखो इससे क्या आ गया फर्स्ट से तो सिंपल आ गया x जीरो एंड अगले से आ गया एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एंड का मतलब एक तो ये लेना है एक इधर से लेना है, तो इसमें दो केस होंगे x जीरो और y जीरो, दिस एंड दिस ट्रू साइमल्टेनियसली, तो देखो इसमें दो पेयर लोगे एक बार तो उसके साथ ये ले सकते हैं, तो एक बार इसके साथ ये लोगे तो इससे क्या आ गया x जीरो आ गया ओनली, और एक बार इसके साथ ये लोगे तो इससे आ गया x जीरो और y जीरो, इससे तो आंसर आ गया फिक्स्ड, ये तो एक फिक्स्ड पॉइंट है जेड इक्वल टू जीरो, लेकिन इससे क्या आया एक्स इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा वाई, इसमें तो वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चे क्या गलती से बोल देते सर इसका एक ही सोल्यूशन होगा जेड इक्वल टू जीरो, सही है जेड इक्वल टू जीरो तो कर रहा है इसको सेटिस्फाई, बट इसमें क्या होगा इसका आंसर ओरिजिनल ये आंसर है जेड इक्वल टू आयोटा वाई, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या होगा आयोटा वाई, जब आप इसमें जेड को आयोटा वाई पुट करोगे तो इसको ऑलवेज क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो चाहो तो ये लो इसका जेड स्क्वायर क्या आएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का मोड का स्क्वायर जीरो, तो आयोटा स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ऑलवेज ट्रू है ना, और वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो मानोगे तो ये भी आंसर आ गया और नॉन जीरो मानोगे तो और सारे आंसर आ सकते हैं, तो देन इस केस में इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई, तो आपको इसका फोर्थ ऑप्शन टिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन टिक मत कर देना, ठीक है चलें। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, हटा दीजिए इसको चलो। देखो क्वेश्चन 18 क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है ए ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ ए ट्रांसपोज की पावर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करें ऑप्शन में आंसर क्या है टू की पावर एन माइनस ए, पता नहीं कैसे आंसर है, तो देखो एक काम करें इसमें, अब इसमें एन लिखा नहीं तो इसमें एन इसका ऑर्डर ही होगा, एन क्या होगा ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स, एन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मानना, ठीक है चलो, इसमें एक काम करो ना इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या जाएगा ए इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए,
तो ए ट्रांसपोज को मैं क्या ले सकता हूँ, ए ले सकता हूँ। ए ट्रांसपोज को अगर आप ए लोगे तो सीधी सीधी बात है क्या गया, ए की पावर माइनस वन इज ए इनवर्स, बोलो आया ना, सॉरी ए इनवर्स लेने पे ए इनवर्स आएगा। मतलब और ये आपको पता होगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो सीधा ए इक्वल टू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज को मैं ए इनवर्स ले सकता हूँ। तो ये ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का होल इनवर्स क्या आ जाएगा, ए आ गया ना, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इनवर्स क्यों ले लिया, क्वेश्चन में कहाँ बोला है कि ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, बोलने की क्या जरूरत है। जब आपको ये पता है ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आई है तो इसका जब डिटरमिनेंट लोगे आप तो क्या जाएगा, ये मोड ए स्क्वायर इक्वल टू वन, तो मोड ए इसका सीधा प्लस माइनस वन आ गया। मतलब या तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू वन होगी या माइनस वन, इसका मतलब ये 100% एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। यस सर, तो देन मैं इसका इन्वर्स ले सकता हूँ। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आई लिख सकते हो, या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ये रिजल्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, चलो तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया, ए आपको गिवन है 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बोली गई है 2, बी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बोली गई है 3, एंड सी आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बोली गई है 4। तो ये क्वेश्चन तो सही है ना, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसका एन और एम दोनों सेम होने चाहिए, तो ये 2x2, 3x3, 4x4, तो इनका ऑर्डर सेम है एन इंटू एन, तो ये इनका मोड पॉसिबल है। सही है, तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ ए बी सी के मोड की वैल्यू बताओ, तीनों के मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट। तो ये मैंने पढ़ा है कि ए बी के डिटरमिनेंट को लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो ना, बोलो आया ना, और ये लिखोगे ये 2, 3, 4, तो 2×3×4, तो आ गया आंसर 24। यस सर, तो कह रहा है ए रियल बट नॉट इंटीजर गलत, डिविजिबल बाय 4, यस सर, डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है ना, बट इस क्वेश्चन में लॉजिकल बात ये है, आप ये देखो ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, तो ये कब फिजिबल होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई कब होगा, जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्विवेलेंट हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस ए बी सी का प्रोडक्ट करना है आपको, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल आना चाहिए, तो इसमें इन सब का ऑर्डर अलग अलग है, तो इसमें जो ए बी सी मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला कब उसी केस में एप्लीकेबल है जब उसका ऑर्डर कंफर्टेबल हो, मतलब जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई के कंफर्टेबल हो, मतलब उनको मल्टीप्लाई कर किया जा सकता है, उसी केस में आप उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू की बात करोगे, तो देन इसका ऑप्शन थर्ड फिल करना डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चले उसके बाद देखो इसका क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया, उसको देखते हैं, फिर सेक्शन बी की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन 20 क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दी सर्किल मोड जेड इक्वल टू आर, मोड जेड इक्वल टू आर एक सर्किल इसका सेंटर 0, 0 होगा और रेडियस आर, ये पढ़ा होगा सबने, लोकस ऑफ दी सर्किल, लोकस ऑफ सर्किल क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जेड माइनस जेड नोट का मोड इक्वल टू आर, इसका मीनिंग क्या, जिसका सेंटर तो जेड नोट है और इसकी रेडियस आर है। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग है। तो अभी तो अपने क्वेश्चन में बोला गया मोड जेड इक्वल टू आर, तो सेंटर 0, 0 है, रेडियस इसकी आर है, तो आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, और वो किस पॉइंट पे ड्रॉ की टेंजेंट, जेड नोट पे। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0, 0 है, इसको ओ नेम दे दो, और लेट आपने इस पॉइंट पे ड्रॉ की टेंजेंट, ये पॉइंट है ए जेड नोट, ये आर है, तो आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन को लिखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। ठीक है ना, तो देखो इसको करने का क्या प्रोसीजर है, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, तो किसी इक्वेशन का मीनिंग क्या है,
कोई भी कर्व हो, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उस इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि उस पर एक आर्बिट्री पॉइंट लेट किया मैंने पीजेड। तो पीजेड लेट करने का मीनिंग क्या है कि जेड का लोकस बताना है, जेड लाइज ऑन दिस टेंजेंट, तो जेड का जो लोकस होगा वही क्या होगा, इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला की इक्वेशन को लिखना है तो उसमें क्या टेक्निक अप्लाई करनी है आपको, देखो ये एंगल अगर 90 है तो मैं एक काम करता हूं, इस सेगमेंट पे और इस सेगमेंट पे अप्लाई करता हूं रोटेशनल थ्योरम। रोटेशनल थ्योरम क्या कहती है, फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पढ़ते हैं ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस, एक लाइन लिखी होगी आप सबने, मैं बता देता हूं आपको, देखो ये लेट जेड है, ये जेड वन है, ये लेट जेड टू है, इसमें इसको यूज करना है आर्गुमेंट को, ये आर्गुमेंट थीटा किसके बिटवीन है, जेड माइनस जेड टू और जेड माइनस जेड वन के बिटवीन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू अपॉन जेड माइनस जेड वन, ये आपने लोकस सबने पढ़ा होगा, ये आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, आर्गुमेंट ऑफ, अरे यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन जो आर्गुमेंट है उसको रिप्रेजेंटेशन का मेथड है कि आर्गुमेंट ऑफ फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको थीटा गिवन है। तो इधर सुनो ब्लैक बोर्ड पे, इसमें ये इसका फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लेट इसका इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं लिख सकता हूं आर्गुमेंट ऑफ जीरो माइनस जेड वन, ये जेड वन माइनस जीरो, इसमें से ये माइनस करो उसमें से ये करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जेड नॉट माइनस जीरो लिख सकते हैं अपॉन जेड नॉट माइनस जेड, इसका आर्गुमेंट क्या रहा, पाई बाई टू है ना, आया ना ऐसे, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू पाई बाई टू, उल्टा करोगे तो प्लस माइनस पाई बाई टू लगा देना, क्या फर्क पड़ेगा उससे, ये आ गया आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन, सॉरी जेड नॉट अपॉन जेड नॉट माइनस जेड इक्वल टू पाई बाई टू, ये लिखो या इसको उल्टा करके लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब बताएंगे कौन सा ज्यादा बेनिफिट है, वैसे चलो ठीक है जो लिख दिया वो फाइनल है, इससे भी हो जाएगा, उल्टा भी करके लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट माइनस जेड अपॉन जेड नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से क्या फर्क पड़ना है, एक को प्लस मान लो एक को माइनस मान लो, ठीक है। ये लिखने के बाद देखो मेरे को करना है क्या, आपको जेड का लोकस बताना है, तो देखो कैसे करोगे, एक बात बताओ सभी, एक लाइन लिखी हुई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई टू आ रहा है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई टू कब आ सकता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई टू कब होगा, जब लाइज ऑन दी पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर माइनस पाई बाई टू कहीं भी हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई टू आ रहा है प्लस माइनस पाई बाई टू, उसका मीनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन दी वाई एक्सिस, इसका मीनिंग उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा ना। तो ये लाइन आप सबने पढ़ी होगी, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर प्लस माइनस पाई बाई टू है देन रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होगा, और रियल पार्ट ऑफ जेड को क्या लिखते हैं, देखो अब सुन लो ये चीज, छोटी छोटी बातें, कि जैसे लेट जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इससे टू एक्स कितना आ गया, जेड प्लस जेड बार, तो एक्स कितना आ गया, जेड प्लस, ये क्या है एक्स, रियल पार्ट ऑफ जेड ही तो हुआ ना, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का फॉर्मूला आ गया जेड प्लस जेड बार बाई टू, ये सुनो, तो क्वेश्चन यही बोला गया कि रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो, इसका मीनिंग जेड प्लस जेड बार अपॉन टू मेरा जीरो होगा, तो देन जेड प्लस जेड बार आपका जीरो आ गया, जेड का मीनिंग दिस पार्ट है और जेड बार का मीनिंग इस पे बार ले लो, और क्या क्या जाएगा, जेड नॉट अपॉन जेड नॉट माइनस जेड प्लस, बार लेने पे सब पे बार लगा देना, कॉन्जुगेट हो गए, सॉरी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देन आपको जेड का लोकस मिल जाएगा, तो देखो इसको इससे करो, जेड नॉट बार, तो ये तो आ गया मोड जेड नॉट स्क्वायर, ये करने पे जाएगा माइनस जेड नॉट जेड बार, और सही है ना, और इधर करने पे आ गया प्लस जेड नॉट जेड बार, वंस अगेन जेड नॉट के मोड का स्क्वायर, पढ़ा होगा सबने जेड जेड बार इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट इज माइनस जेड जेड नॉट बार इक्वल टू जीरो, ठीक है।
तो इन दोनों नेगेटिव को उधर भेजोगे तो क्या आ गया, देखो जेड नोट जेड बार प्लस जेड नोट जेड बार, जेड नोट जेड बार प्लस जेड जेड नोट बार इक्वल टू टू मोड जेड नोट का स्क्वायर। यस सर। और देखो चाहो तो एक काम कर सकते हो, जेड नोट लाइज ऑन दी सर्किल, सर्किल की इक्वेशन क्या है मोड जेड इक्वल टू आर, तो जेड नोट जो पॉइंट है आपका इस सर्किल पे लाई करेगा, तो मोड जेड नोट को लिख सकते हैं ना आर, तो क्या आ जाएगा टू आर स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, तो ये जेड का लोकस आ गया, जेड का लोकस है, तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है जिसमें जेड नोट पॉइंट आपको इस सर्किल पे पता है जिसपे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, क्या होगा बोलो, सेकंड ऑप्शन फिल करना, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। चलें अब इसके बाद बात करेंगे अपन सेक्शन बी की, चले देखो सेक्शन बी क्या है, सेक्शन डी सॉरी, क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बेटा लैम्डा कॉमा फोर इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इज लाइज ऑन एक्स वाई इक्वल टू 16। एक ट्रायंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर गिवन है आपको एच लैम्डा कॉमा फोर, और इस ट्रायंगल की जो वर्टेक्स है जो वो लाइज ऑन दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 16। देखो इसका मीनिंग क्या है, देखो ये हाइपरबोला है आपका ऐसे, ठीक है ना, थ्री वर्टेक्स है जो कहीं भी मान लो आपकी जहां भी इच्छा हो सकता है, तीनों एक ही ब्रांच पे हो या अलग अलग ब्रांच पे हो सकते हैं। तो देखो जैसे लेट ई पॉइंट ए है आपका और ये लेट पॉइंट आपका सी है, इससे लेट ही आपने बना दिया ट्राइंगल, तो इसमें लॉजिकली है क्या, एक करके देखना आप घर पे, एक प्रॉपर्टी है कि हाइपरबोला की किसी भी ब्रांच पे आप जब ट्रायंगल के वर्टेक्स से लेट करोगे तो उन वर्टेक्स से जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसका जो ऑर्थो सेंटर है ऑलवेज लाइज ऑन दी हाइपरबोला, उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा इस पे लाई करेगा एज, सीधी सीधी बात है बस खत्म। ये आप डेरिवेशन कर सकते हो, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी वन अपॉन कोमा सी स्क्वायर अपॉन टी वन, ये तीनों पॉइंट मान के जब आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करोगे ऑर्थो सेंटर के लिए, तो सोल्व करने पे जो पॉइंट आएगा ना वो इसी हाइपरबोला को क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है। तो कुछ नहीं करना कि लैम्डा कॉमा फोर लाइज ऑन दी हाइपरबोला, तो एक्स की जगह लैम्डा आ गया वाई की जगह फोर आ गया, तो देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी फोर। तो ये यूजफुल प्रॉपर्टीज को याद करें, और पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो हमेशा याद होनी चाहिए टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चलो तो इसका फोर आंसर फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन दी फोकस एंड करस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स इज 8 एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/2, देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज, देखो इसका मीनिंग क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये लेट एक हाइपरबोला है आप सॉरी एलिप्स है आपका, इसकी दोनों फुकाएं हैं, दिस इज ए कोमा जीरो दिस इज माइनस ए कोमा जीरो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन फोका है फोकस एंड करस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें दो फोकस हैं तो उनकी करस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स का मीनिंग क्या है, इस फोकस के रिगार्डिंग तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स मानते हैं ये एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, यस सर, और सेकेंड फोकस के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इक्वल टू माइनस के ए अपॉन ई। और शायद ये आपको पता होगा ये करस्पोंडिंग वर्ड का यूज क्या है, कि जो ये इलिप्स की इक्वेशन को फाइंड आउट किया गया है
पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, उसमें क्या करोगे, फोकस ये मानो और डायरेक्ट्रिक्स ये मानोगे तो आंसर आपका आ जाएगा एलिप्स की इक्वेशन, और फोकस को माइनस ए कोमा जीरो और डायरेक्ट्रिक्स को माइनस ए कोमा जीरो लेट करते तो उस केस में एलिप्स की इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन को जो फाइंड आउट किया गया है उसके लिए क्या करते हैं कि किसी भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये लेट करोगे फिर आंसर आ जाएगा एलिप्स का, और ये दोनों लेट करोगे उस केस में आपका एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट होगी। तो इसलिए इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। इस फोकस के रिगार्डिंग ये इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है और इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि फोकस की डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना होगा ए अपॉन ई कोमा जीरो। तो ये पॉइंट अगर ए अपॉन ई कोमा जीरो है तो इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो ए अपॉन ई माइनस ए ई इक्वल टू एट गिवन है और एसेंट्रिसिटी आपको गिवन है वन बाई टू। तो बेटा ए तो कॉमन आ गया ना, तो वन अपॉन ई माइनस ई इक्वल टू एट है, ई की वैल्यू कितनी पुट करोगे वन बाई टू, तो टू माइनस हाफ इक्वल टू एट, तो ए आ गया 16 अपॉन थ्री। यस सर, अरे 3 बाई टू आ गया ना, तो डिवाइड करोगे तो 16 बाई थ्री, ए आ गया, ई पता है, तो इसकी मेजर एक्सिस, इसने पूछा माइनर एक्सिस की लेंथ, तो पहले बी की बात करो आप, तो ई स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर तो आ गया वन बाई फोर इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 16 अपॉन थ्री का होल स्क्वायर। यस सर, तो इसको ले आओ ना, क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3 बाई फोर। हाँ है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देन इससे आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, देखो 3 अपॉन फोर 16 अपॉन थ्री का होल स्क्वायर। तो बी क्या आएगा इसका रूट लेने पे, रूट 3 अपॉन टू इंटू 16 बाई थ्री। यस सर, तो देन बी आ गया 8 अपॉन रूट थ्री, तो बी आपका 8 अपॉन रूट थ्री है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b इक्वल टू 16 बाय रूट थ्री। इसने इसको बोला गया कितना k अपॉन रूट थ्री, तो k आ गया आपका 16। ठीक है ना, तो इसका आंसर 16 फिल करना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन दी वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज। तो देखो कैसे करना है, इसमें सोचते हैं थोड़ा, सिग्मा एन इक्वल टू वन से फाइव, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो x क्या है, x इसी की वैल्यू है ना, तो ये आपको शायद पता होना चाहिए और याद रखें कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इस इक्वेशन में अगर आपने x को पुट कर दिया माइनस एक्स तो क्या जाएगी, तो बताओ इसके रूट क्या होंगे, माइनस ओमेगा एंड, बोलो मजा आया कि नहीं आया। ठीक है ना, तो इसकी रूट आपको पता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, एक्स को माइनस ओमेगा मान लो या माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो देखो इसमें क्या करें, पहले स्क्वायर ओपन कर दो बेटा, तो ये आ गया एक्स की पावर टू एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर टू एन प्लस टू। ठीक है ना, एक काम करो सब पे सिग्मा, सिग्मा क्या एन को पुट कर दो, देखो एन को वन रखो, एक बार टू थ्री फोर फाइव लिख देते फटाफट, क्या आएगा वन लेने पे, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू आएगा, उसको बाद में चलो लिख दो कोई बात नहीं। अगला होगा एक्स की पावर फोर प्लस
क्योंकि करने के मेथड और भी, बट इतना सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा। एक मिनट की कैलकुलेशन अभी करते हैं, देखो ठीक है, फाइव तक वैल्यू रख दी मैंने, ये रखने के बाद कुछ नहीं करना, एक्स को लेना माइनस ओमेगा। तो देखो माइनस ओमेगा लेने पे क्या हो गया, सब पे पावर एवन है तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर करने से माइनस हट जाएगा, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस। तो देखो मुद्दे की बात ये टू कितनी बार है, पांच बार, तो दस लिख देना लास्ट में, प्लस आ गया ओमेगा की पावर फोर अपॉन, ये आ गया ओमेगा की पावर सिक्स अपॉन ओमेगा की पावर एट प्लस वन अपॉन, और लास्ट इज ओमेगा की पावर टेन प्लस वन अपॉन, सीधे गुणा भाग है। ये करने के बाद देखो थोड़ा इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ऊपर ओमेगा ओमेगा क्यूब वन, तो क्या बन गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस के वन। सिमिलरली ओमेगा फोर तो हो गया ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा सिक्स वन, तो ये वन सेकेंड आ गया माइनस के वन, ओमेगा सिक्स की वैल्यू वन होती है टू आ गया। ऐसे एट में भी यही होगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर होगा ये ओमेगा, तो ये भी माइनस वन और ये भी ऑल्सो माइनस वन, बोलो आया ना, कर लेना गुणा भाग। तो देखो क्या आंसर आ गया, दस और दो बारह और चार, दस माइन बारह माइनस चार एट आंसर आएगा इसका, ठीक है, तो एट आंसर आपको इसका फिल करना है। चलो तो ये मेन लॉजिक था कि इसकी रूट माइनस ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर होंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर फोर इज, क्वेश्चन फोर में बोला गया है ए इज थ्री क्रॉस थ्री स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुज ऑल इंटीजर आइदर माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो वन वन जीरो माइनस, इसका मीनिंग माइनस एक भी तीन बार लेना है, एक भी थ्री बार लेना है, जीरो को भी तीन बार फिल करना है, देन नंबर ऑफ सच डिफरेंट मैट्रिसेज इज, तो आपको पता होगा अगर मैट्रिक्स आपकी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या मानते हैं, जीरो जीरो जीरो, ये अगर ए बी सी है तो ये क्या होगा उल्टा। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास टोटल नौ इंट्रीज हैं जिसमें तीन बार जीरो जीरो तो आ गया फिक्स, बचा कौन माइनस एक माइनस एक माइनस एक, एक एक और एक। अब देखो फिल कैसे करना, थोड़ा केयरफुली देखना, सीधा आंसर है ये ए है तो ये माइनस से आ रहा है, तो सुनो मेरी तरफ ए को फिल करने के कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ना, या तो वन फिल करोगे या माइनस वन। तो सीधी बात है जब ए फिल होगा तो माइनस ए तो ऑटोमेटिक फिल हो गया ना भाई, ए को वन लोगे तो माइनस वन आएगा ऑटोमेटिक, तो ए को फिल करने के टू ऑप्शन है। सिमिलरली बी को फिल करने की भी क्या होंगे टू ऑप्शन, और सिमिलरली सी को फिल करने के भी टू ऑप्शन। आपने ए को वन लिया तो इधर माइनस वन आ गया, इसको दोबारा बन लिया तो माइनस वन आ गया, दोबारा बन लिया तो माइनस वन, तो जितनी बार वन प्लस में उतनी बार माइनस में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आंसर क्या होंगे एट, तो टोटल एट डिफरेंटेड मैट्रिसेज होंगी, जो कौन सी होंगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिनकी इंट्रीज आपकी ये तो तीनों जीरो से होंगी और बाकी वन और माइनस वन से फिल की जाएंगी, ठीक है। चलो और उसके बाद देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन द पॉलीनोमियल फाइव एक्स क्यू प्लस एम एक्स प्लस एन इज डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे समझते हैं प्रॉपरली कि फाइव एक्स क्यू प्लस एम एक्स प्लस एन को आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर उसका जीरो आता है, तो बताओ एम प्लस एन का मॉड क्या होगा। तो देखो ये आपको दिख जाना चाहिए, इससे डिवाइड किया है तो क्या पढ़ते हैं बन कि रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब इससे जो एक्स की वैल्यू उसको क्या करेंगे सेटिस्फाई। ये सबने पढ़ी होगी रिमाइंडर थ्योरम, लिख देता हूं मैं आपको कि किसी पॉलीनोमियल पी एक्स को अगर आप एक्स माइनस ए से करते हो डिवाइड तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, पी एक्स को आपने किससे डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, तो देन वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो क्या करते हैं उसके लिए,
कि जिससे डिवाइड किया गया उसको जीरो करो और उससे एक्स की वैल्यू करो फाइंड आउट, और उस एक्स की वैल्यू को पुट कर दो पॉलीनोमियल में, तो पुट करने से जो वैल्यू होगी वही आपका होगा रिमाइंडर, यही आपका क्या होगा रिमाइंडर। शायद मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना? तो पी ओ पे आपका रिमाइंडर होगा। तो इसी टेक्निक को इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसको जीरो करोगे आप, जिससे डिवाइड किया है इसको जीरो करो, तो इसको जीरो करने से एक्स की दो वैल्यू आती है ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, पता है इसकी रूट। तो इसका मीनिंग ओमेगा पुट करोगे तो उससे रिमाइंडर आएगा कितना, 5 ओमेगा क्यूब + m ओमेगा + n। तो इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, एक बार ओमेगा पुट करो उससे रिमाइंडर होगा, क्वेश्चन ने ऑटोमेटिक बोल दिया रिमाइंडर जीरो। इसका मीनिंग एक्स को ओमेगा पुट करने से जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू को जीरो की इक्वल करना है। क्वेश्चन ने बोल दिया जीरो मान लो, अपन मान लेते हैं अपना क्या जा रहा है। तो क्या आ गया ओमेगा पुट करने पे, देखो एक्स को ओमेगा रखने पे आ गया ओमेगा क्यूब 1 होगा ना, तो आ गया 5 + m ओमेगा + n = 0। सिमिलरली एक बार वंस अगेन पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर, तो अभी भी क्वेश्चन ने रिमाइंडर जीरो बोला गया, तो ओमेगा की पावर 6 अगेन 1 होगा, तो 5 + m ओमेगा स्क्वायर + n = 0। यस सर, इतना करने के बाद क्या करें इसमें बताओ, एक काम करो ना, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, 5 कैंसिल n कैंसिल, तो m कॉमन आ गया। तो इसे दो बातें आएंगी, या तो m जीरो होगा या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दी तो गलत है ना, ओमेगा की वैल्यू कभी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं होगी। तो ये लो बेटा m जीरो आ गया, और m को जीरो पुट कर दो कहीं भी, तो n आ गया -k5, तो m प्लस n क्या होगा -5। तो उसने पूछा है m प्लस n का मोड 5 आंसर फिल करना आपको, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है? तो ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेनी है आपको। चलो लिखो उसको, थैंक यू बेटा।